आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के घोषित परिणाम में रजरप्पा की दिव्या पांडे ने सफलता प्राप्त की है। दिव्या को 223वीं रैंक प्राप्त हुई है, जिससे परिवार सहित पूरा क्षेत्र आनंदित दिखाई दे रहा है। साथ ही रजरप्पा सीसीएल ने दिव्या पांडे को सम्मानित किया गया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के घोषित परिणाम में राजप्पा की दिव्या पांडे ने सफलता प्राप्त की है। दिव्या को 223वीं रैंक प्राप्त हुई है, जिससे परिवार सहित पूरा क्षेत्र आनंदित दिखाई दे रहा है। साथ ही राजप्पा सीसीएल ने दिव्या पांडे को सम्मानित किया गया। उनके पिता सीसीएल राजप्पा में डंपर ऑपरेटर व माँ गृहिणी है। यूपीएससी में सफलता मिलने की जानकारी मिलने पर पूरे कोयलांचल क्षेत्र से लोग दिव्या के घर जाकर बधाई दे रहे हैं। इधर राजप्पा महाप्रबंधक कार्यालय में महाप्रबंधक PAN यादव द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिभावान छात्रों को आगे आकर उनका मनोबल बढ़ाएं, जिससे वो अपनी संपूर्ण क्षमता को बाहर निकाल सकें। वहीं सफल अभ्यर्थी दिव्या पांडे ने कहा कि मेरी कामयाबी में कड़ी मेहनत व घर वालों के सहयोग के साथ बड़े व गुरुजनों का आशीर्वाद शामिल है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसका अच्छे से निर्वाह करूंगी। आगे उन्होंने कहा कि संसाधनों के अभाव में कड़ी परिश्रम से सफलता को अपनी ओर आने पर बेबस होना पड़ेगा। मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र के रजरप्पा क्षेत्र की लाडली UPSC क्रैक की है, और मैं यह एक शुरुआत और दूसरे वर्षों में होते रहे और इस क्षेत्र के और भी प्रतिभावान बच्चे निकले। रजरप्पा का इतिहास है कि पहले भी यहाँ से UPSC बहुत बच्चे बच्चियाँ की है। यह सिलसिला अनवरत चलता रहे, उसमें जो भी CCL की तरफ से जो CCL के माध्यम से होगा, इसमें भरपूर सहयोग किया जाएगा। यही मेरा संदेश है। आज समाज को भी आह्वान करेंगे कि समाज भी इसका समर्थन करे, और किसी का मनोवृत्ति अगर षड्यंत्र में है तो उसको रोक करके समाज को इसका जिम्मेदारी है कि हर प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। ये मेरा अपेक्षा। दिव्या पांडे ने रजरप्पा का नाम रोशन के साथ है पूरे जिला में IAS में अपना उपलब्धि प्राप्त किया है। साथ ही साथ रामगढ़ जिला का नाम रोशन की है, और ये रजरप्पा प्रोजेक्ट की छात्रा थी। साथ साथ रजरप्पा के DAV का भी नाम रोशन उन्होंने किया है। हम इस जी साथ ही साथ जो प्रतिभा छात्र छात्राएं हैं, उनको समाज को आगे आकर इस तरह के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में मनोबल हर समय ऊंचा बना रहे। मैं अपने फैमिली को देना चाहती हूँ, अपने टीचर्स को, अपने अंकल आंटी को, सबको देना चाहती हूँ, और पूरे CCL रजरप्पा को देना चाहती हूँ, जो हमारी मुसीबत में हमेशा हमारा साथ दिए, सपोर्ट किए। तो वो मैं सारा श्रेय अपने रजरप्पा को, CCL का प्रबंधक को देना चाहती हूँ, और सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को देना चाहती हूँ। वैसे बच्चे जिनके पास संसाधन का काफ़ी अभाव है, क्या प्रेरणा उनके लिए है कि वो कैसे सफल हो सकेंगे आगे जा करके? सफल होना कोई मुश्किल बात नहीं, बस उस कठिन परिस्थिति में आपको कैसे निकलना है, बस आपको वो जरिया ढूंढना पड़ता है। सबके साथ कठिन परिस्थिति नहीं आती है, बट कुछ लोग साथ आती है, लेकिन उसमें से ही कुछ लोग वैसे निकल जाते हैं। सबके पास होते हुए भी बहुत लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबको सब कुछ मिले और सब कुछ करें, सब कुछ तो ये अपेक्षा करते हैं सबसे, और सारे पेरेंट्स ये अपेक्षा करते हैं कि सारे बच्चों को पढ़ने की शिक्षा दें, ताकि बच्चे आगे बढ़ पाए। आज के डेट पे लड़कियों को जैसे 23-24 ईयर्स होते हैं शादी कर दी जाती है, बट शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि अपने लाइफ में सक्सेस कैसे हो। आज अगर हम यहाँ पे कुछ भी है तो पूरे अपने एरिया सर, GM अंकल बहुत खुश है, पूरे मतलब पूरा मैनेजमेंट खुश है। सो इससे बड़ी खुशी बात मेरे लिए और कुछ नहीं। मेरे प्रिंसिपल सर इतने खुश है, तो मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स खुश है, तो उससे बड़ी खुशी कल से तो मतलब आई कैंट एक्सप्लेन दैट। तो निश्चित रूप से जो है सफल होने के लिए परिश्रम और सच्चे लगन मेहनत की। बिल्कुल बिल्कुल।